बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ भिंडी का सालन। वैसे तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ भिंडी की, लेकिन आज वाली जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत कुरकुरी बनेगी। ऐसी रेसिपी शायद आपने ना खाई हो, ना देखी हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो भिंडियाँ मैंने 1 किलो ली हैं और मैंने उनको काट लिया है धोने के बाद। देखें, इस तरह छोटे छोटे ऐसे पीसेस में कटिंग कर ली है, बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर मैं लूँगी बेसन और बेसन को मैं इस तरह छिड़कूँगी। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो बेसन है जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह, और उसके बाद इसको हाथ नहीं लगाना, इस तरह करके आपने अच्छा सा बेसन को मिक्स करना है, ठीक है। मैं मिक्स कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ उसकी लुक जी। ये देखें, हाथ आपने बिल्कुल नहीं लगाना। इस तरह मैंने इसको टॉस करके, तो मैंने इसको बेसन लगा लिया है, 3 से 4 खाने के चम्मच भर के आपने बेसन लगाना है। और आपकी भिंडी जो है ना वो हल्की सी नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। अगर गीली नहीं है, खुश्क है और बेसन नहीं चिपक रहा, तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें और फिर बेसन को डालकर टॉस करें, तो ऐसे हो जाएगी। और आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रखा हुआ है घी गर्म होने के लिए। घी आपने उतना लेना है जितनी आपको ज़रूरत है, जिसमें भिंडी तैयार हो जाए, भिंडी का सालन। और भिंडी को हमने फ्राई करना है पहले, तो यहाँ पर अच्छा सा ये घी जो है वो मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो इसमें हम भिंडी डालेंगे, लेकिन इसमें भिंडी जब डालते वक्त हमने इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है जी। हम भिंडी को हाथ लगाए बगैर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम इसमें डालती हूँ हाथ लगाए बगैर, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल दिया है और हम इसको चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे। और हाथ इसलिए नहीं लगाना कि बेसन उतर जाएगा, हाथों के साथ बेसन चिपक जाता है, तो इसलिए हमने इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा, हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, ठीक है जी। भिंडी हो चुकी है और फ्राई, तो हम भिंडी को निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं भिंडी को फ्राई होते हुए, तो तमाम भिंडियाँ हम निकाल लेते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत कुरकुरी सी भिंडी तैयार है। तमाम भिंडी फ्राई करके निकाल ली है। अब उसी घी में जो बचा है हमारे पास, 3 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के मेरे पास, तो वो मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। और प्याज को हम फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। जी प्याज देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बस इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं यहाँ पर, और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें घी बहुत ज़्यादा मैंने अभी इसलिए नहीं और डाला मज़ीद, कि भिंडी में जो है ना घी काफ़ी है, जब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1-2 मिनट हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच जो है ना वो ज़ीरा शामिल करेंगे और 2-3 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे, ठीक है। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फ्राई करते वक्त ये चीज़ें डालनी हैं, भिंडी के साथ भी आप शामिल कर सकते हैं। जब आप भिंडी फ्राई कर रहे हों उस वक्त भी आप ये दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डालते ही एक बहुत अच्छी सी महक आने लगी है। अच्छा जी देखें, अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 अदद टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया है, छिलका इनका मैंने रिमूव कर दिया है। और अब हमने टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से घुल जाएं टमाटर हमारे। अच्छा जी, अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो नमक हमने 1 चाय का चम्मच लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। 1-2 चुटकी कलौंजी के लिए है, हल्दी 1/2 चम्मच लिया है चाय का, और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और अब हम इसको भून लेंगे अच्छा सा।
इसका घी अलग होने तक हम इसको भून लेंगे। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें घी अलग हो गया है, इसका मसाला हमारा भून चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल लो से थोड़ा सा बढ़ाना है, मीडियम से कम रखना है। और अब हम यहाँ पर अपनी भिंडी जो है हमने फ्राई करके रखी है डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए नीचे कितना घी है भिंडी में, तो ये तमाम जो है ना मैं इसमें अच्छे से साफ़ करके डाल दूँगी, रिस्क को ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इसमें अच्छा सा मिक्स करते हैं भिंडी को और कोशिश करें कि भिंडी टूटे नहीं आपकी, और पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना जी। अच्छा सा मिक्स कर दिया है, अब इसको ढक देते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। दम पे रखे हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और डिपेंड करता है आप की भिंडी गल चुकी है कि नहीं। 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, इसमें सारा कुछ मिक्स है, बड़ी छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, बादियान और सब कुछ जो गर्म मसाले में होता है वो सब है। और यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें, और इसको मैं दम पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए मज़ीद। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपके मुंह में पानी आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो गई है हमारी कुरकुरी भिंडी, बेसन वाली मसालेदार भिंडी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी थी और बहुत यूनिक थी, बहुत मज़ेदार है। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करें और एंड तक वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।